हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2019 में हुए आईसीएमआर एग्जाम के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। इससे पहले हम लोगों ने इस पेपर का जो जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। उसका वीडियो का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो अभी नया सिलेबस और जो नया एग्जाम पैटर्न आया है उसका वीडियो हम लोग बना चुके हैं, आपको बता चुके हैं। उसका भी लिंक हम लोग डाल देंगे, सिलेबस का लिंक, नया सिलेबस जो आया है उसका लिंक भी हम लोग डाल देंगे। आप वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने पे आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ी सी चर्चा एक बार फिर कर लेते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, बस ब्रीफ दे देते हैं, बाकी आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं। कि पहले जो एग्जाम होते थे वो दो ग्रुप में आपको क्वेश्चन आते थे, ग्रुप ए होता था और ग्रुप बी होता था। ए में आपको जनरल एप्टीट्यूड होता था और ये होता था 50 नंबर का, और बी जो होता था वो आपको 100 क्वेश्चन होते थे जो सब्जेक्टिव होते थे। ठीक है, अब क्या किया है कि ग्रुप ए एज इट इज है, लेकिन बी में क्या किया है कि बी में दो ग्रुप कर दिया है, एक बी कर दिया और दूसरा सी कर दिया है। तो बी ए में आपको जनरल एप्टीट्यूड पूछेगा, बी में आपको बेसिक बेसिक फंडामेंटल बायोलॉजी, आप बोल सकते हैं कि फंडामेंटल बायोलॉजी का जो बेसिक्स होता है, जैसे फिजियोलॉजी हो गया, आपको कुछ जनरल साइंस हो गया है ना, साइंटिफिक फेनोमेनन्स हो गए हैं, आपको क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ हो गया, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। और सी जो है आपका कोर बायोलॉजी है, कोर सब्जेक्ट जो भी आपका है उससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये बी में कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं ये आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको सेक्शन बी से जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, फिर ए का भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें डिटेल्स में हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो के लिंक पे जाइएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसमें भी आप वीडियो का लिंक हम सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, सिलेबस का लिंक डालेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देर के हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ जो कि 2019 में पूछे गए थे। ठीक है, तो आइए यहां पे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चंस जो है वो क्या है, द अपटेक ऑफ एक्सटर्नल डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल इज फैसिलिटेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो ये एक्चुअली प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्पिटेंट सेल बनाते हैं, किसका, बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया के सेल वॉल पे ये कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे बाइंड हो जाता है और पोर स्ट्रक्चर हो जाता है, पोर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर बनता है वहां पे आपको वो कॉम्पिटेंट सेल फैसिलेट करता है कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू एक्सटर्नल डीएनए को सेल के अंदर आने के लिए। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द वेक्टर कंटेन्स टेलोमेरिक सीक्वेंस। टेलोमेरिक सीक्वेंस जो होता है वो क्रोमोजोम के लास्ट में एक सीक्वेंस होता है जो हर स्टेप के बाद घटता है। ठीक है, तो जो आपका सेल एजिंग होता है उसी टेलोमेरिक सीक्वेंस के घटने के कारण होता है। तो वो किस में पाया जाता है, आपका होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम का जो वेक्टर होता है, ईस्ट वेक्टर जिसको हम कहते हैं, उसमें आपका टेलोमेरिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन द बोथ बैक्टीरिया एज वेल एज यूकैरियोटिक एमआरएनए। ठीक है, तो पहला है पॉली ए टेलिंग, फाइव प्राइम कैपिंग और स्प्लाइसिंग। ये तीनों जो है ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं है, ये आपका है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए में जो प्रोसेसेस किए जाते हैं उसका पार्ट है। पॉली ए टेलिंग भी, जो 5 प्राइम पे टेलिंग किया जाता है, सॉरी 3 प्राइम पे टेलिंग किया जाता है, 5 प्राइम कैपिंग और स्प्लाइसिंग। ठीक है, ये तीनों पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, ट्रांसलेशनल नहीं है। तो ठीक है, तो बचा क्या आपका, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, ये पार्ट जो होता है वो आपको दोनों में होता है, आपका बैक्टीरियल एमआरएनए हो चाहे यूकैरियोटिक एमआरएनए हो। ठीक है, तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसमें देखे जाते हैं, यूकैरियोटिक में देखे जाते हैं। और ये जो सिर्फ आपका है पोस्ट क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस जो है वो आपको दोनों में देखे जाते हैं, एमआरएनए सॉरी यू बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट दोनों में। ठीक है,
चलिए अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज प्रेजेंट एबुंडेंटली इन हिस्टोन्स। ठीक है, ये हिस्टोन जो होता है वो एक तरह का ऑक्टामर होता है। क्या होता है? ऑक्टामर, जो कहां पाया जाता है? न्यूक्लियोसोम्स में। न्यूक्लियोसोम्स कहां होता है? क्रोमोजोम्स में। ठीक है, क्रोमोजोम किसका बना होता है? डीएनए का। और डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से डीएनए को बाइंड होने के लिए वैसे क्या बोलते हैं कि एमिनो एसिड चाहिए जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो। क्या चार्ज हो? पॉजिटिवली चार्ज हो। तो यहाँ पे इसीलिए हिस्टोन्स में मोस्टली एबुंडेंट जो एमिनो एसिड होते हैं वो आर्जीन होता है और लाइसीन होता है। आर्जीन के अलावा कौन सा और होता है? आपका लाइसीन। ठीक है, तो आर्जीन और लाइसीन जो होते हैं वो मोस्टली एबुंडेंट होते हैं आपके हिस्टोन्स में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि इफ द अमाउंट ऑफ जी इन द डीएनए सैंपल इज 20%, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टी। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ जी जो है, तो अमाउंट ऑफ जी अगर 20% है तो सी कितना हो जाएगा? 20% ही, क्योंकि जी के इक्वल क्या होता है? सी होता है। तो जी और सी दोनों मिलकर कितना होगा? 40%। बचा कितना? 60%। तो 60 में क्या क्या होगा? ए होगा और टी होगा, तो इसका आधा आधा कर दीजिए, तो 30 ए और 30 टी। ठीक है, यानी कि 30%। कह रहा है कि ह्यूमन टेलोमेरिक कंसिस्ट ऑफ टेंडम रिपीट, तो टी टी ए और ट्रिपल जी का होल एन जो होता है ह्यूमन टेलोमेरिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिनल कोडोन चेंज टू स्टॉप कोडोन इन विच टाइप ऑफ म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन जो होता है आपका स्टॉप कोडोन। ठीक है, नॉनसेंस म्यूटेशन जो होता है वो आपका ये होता है, इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल कोडोन है वो स्टॉप कोडोन में चला जाता है, और स्टॉप कोडोन को हम लोग नॉनसेंस कोडोन बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है, अगला है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस फेज में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो प्रोफेज के होता है पैकेटिन स्टेज में। प्रोफेज के पैकेटिन स्टेज में जो होता है आपका प्रोफेज वन होता है। अगला है पर्सन हैविंग सिक्स क्रोमोजोम डबल एक्स वाई सफर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक डिजीज, सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका ये क्रोमोजोम नंबर बढ़ जाता है। दो तरह के होते हैं, एक आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स होता है और दूसरा आपका टर्नर सिंड्रोम होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि टर्नर सिंड्रोम में आपका एक्स नॉट हो जाता है, यानी कि एक्स क्रोमोजोम एक घट जाता है, जबकि आप यहां पे देख रहे हैं कि एक्स वाई के अलावा एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया है, तो यहां पे एक एक्स क्रोमोजोम बढ़ जाता है। तो जब आप टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो एक एक्स क्रोमोजोम घट जाता है, और जब आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं तो एक एक्स क्रोमोजोम घट जाता है। ठीक है, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम है, ये आपका ट्राइसोमी डिजीज होता है, जो जब आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं तो एक एक्स क्रोमोजोम प्लस वन हो जाता है, यानी कि एक एक्स क्रोमोजोम बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ये आपका ऑटोसोमल लिंक्स डिजीज होता है, यहाँ पे 21 नंबर क्रोमोजोम पे एक ऑटोसोम बढ़ जाता है। ठीक है, इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। वैसे ही पटाउ सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम, ये सारे जो होते हैं आपके ऑटोसोमल लिंक्स डिजीज होते हैं। ठीक है, अगला है कि मल्टीपल जीन्स आर डील बॉन्ड विद द इनहेरिटेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। मल्टीपल जीन्स, ठीक है, जिसको पोलोइडी भी आप लोग मल्टीपल जीन्स या मल्टीपल एलिलिज्म भी हम लोग कहते हैं, तो इसमें जो होता है आपका स्किन कलर, जिसमें मल्टीपल एलिलिज्म आपको देखने को मिलता है। बाकी कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो आपका अलग तरह का डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया जो है आपको पॉइंट म्यूटेशन से होता है। फिनाइल कीटोनीरिया, ये भी आपका सेक्स लिंक डिजीज है, तो ये आपका अलग चीज है। लेकिन स्किन कलर जो होता है वो आपका मल्टीपल जीन्स इसमें इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसको मल्टीपल एलिलिज्म भी कहा जाता है। अगला है विन इन अ फीमेल विद एक्स क्रोमोजोम ट्रिपल एक्स हाउ मेनी बार बॉडीज विल बी फॉर्म। तो बार बॉडीज का जो फॉर्मूला होता है कि कितने भी एक्स क्रोमोजोम हो, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम, ठीक है, तो जितने भी आपके नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम हो उसमें से सिर्फ एक आपका बार बॉडी होता है, बाकी सॉरी उसमें आपका सिर्फ एक जो होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी जितने होते हैं वो उसके बार बॉडी होते हैं। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम में से वन घटा दीजिए, जितना आएगा वो आपका बार बॉडी का संख्या हो जाएगा। तो जितने भी क्रोमोजोम हो फंक्शनल कितना होगा? एक ही। बाकी जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल एक्स क्रोमोजोम होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बार बॉडी कहते हैं। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम -1 = बार बॉडी। द
द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, अभी आपको बताया कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो पॉइंट म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं जिसका शेप आपको बाइकॉनकेव होता है, तो उसके उसके जो लिए जो प्रोटीन ट्रांसक्राइब होता है उसमें GAG ट्रांसक्राइब होता है, जो कि किसको कोड करता है, आपको ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें GAG की जगह पे GUG ट्रांसक्राइब हो जाता है, मतलब उसके mRNA में GAG की जगह GUG आ जाता है, जो कि किसको कोड करता है, वैलिन को कोड करता है। और जैसे ही वैलिन कोड होता है आपका जो हीमोग्लोबिन का जो शेप है जो वाई कनकेव होता है द्वि अवतल अवतल होता है उसकी जगह पे वो क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमे हाशिए के आकार का ऐसा शेप हो जाता है उसका, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, इसके इसका हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं कि मेनली यहाँ पे होता क्या है, आपको डिटेल में यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द हाईली रिपीटेटिव DNA इन द इक्विपेड विच ऑफ द कॉटकट। इसमें जो होता है कि आपका हाईली रिपीटेटिव DNA इन द यूकेरियोट ऑक्युपाइड विच ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द कॉटकट, इसमें जो आपका फास्ट जो होता है वो आपको कॉटकर्व जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है एमिस टेस्ट यूज टू स्क्रीन म्यूटाजेनेसिस बेस्ड ऑन, इसमें जो होता है आपको रिवर्सन ऑफ हिस्टिडीन, ये हिस्टिडीन रिलेटेड होता है, तो रिवर्सन ऑफ हिस्टिडीन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए एमिस टेस्ट जो है यूज किया जाता है, ठीक है। अब आता है एलू एलिमेंट्स, एलू एलिमेंट्स जो होता है आपको एलू एलिमेंट्स इन ह्यूमन जीनोम रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे आपको ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसपोजेबल एलू एलिमेंट्स जो होता है जो ह्यूमन जीनोम्स में प्रेजेंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन एन एग्जाम्पल ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, थोरेसिक डक्ट लिम्फेटिक वेसल्स का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। विच ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विच ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं, कोलेजन क्या है, एक तरह का फाइब्रस प्रोटीन है, तो फाइब्रस प्रोटीन्स किसके द्वारा सिंथेसाइज होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चरल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है रिलेटेड टू द बाइल डक्ट, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, कह रहा है हेड ऑफ पैंक्रियाज, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम, लेसर ओमेंटम। उसके बाद है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम नहीं होगा क्योंकि पैंक्रियाज तक जाता, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम, ठीक है, लेसर ओमेंटम हेड ऑफ पैंक्रियाज, लेसर ओमेंटम फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम हेड ऑफ पैंक्रियाज, हेड ऑफ पैंक्रियाज लेसर ओमेंटम फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको 11th का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजिकल चैप्टर है उसे आप देख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है। एक होता है एसेंडिंग, एसेंडिंग का मतलब होता है कि बाइल डक्ट कहाँ से आपको लेके जाता है, बाइल को आपको लीवर से लेकर के बाइल को जाता है, और कहाँ तक जाता है, लीवर से कहाँ लेके जाता है आपको, गॉल ब्लेडर में, कहाँ लेके जाता है, गॉल ब्लेडर में जाता है। तो यहाँ पे ये है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि उतरते हुए, यानी कि जहाँ पे वो जाता है वहां से आपको लेकर के आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड ऑफ पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज आपको पहले मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम ये आपका नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, लेसर ओमेंटम फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम हेड ऑफ द पैंक्रियाज, हेड ऑफ द पैंक्रियाज लेसर ओमेंटम फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम, ठीक है। तो बचा क्या आपका DNA डिपेंडेंट RNA सिंथेसिस, ये पार्ट जो होता है वो आपको दोनों में होता है, आपका बैक्टीरियल mRNA हो चाहे यूकैरियोटिक mRNA हो, ठीक है। तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में देखे जाते हैं, यूकैरियोटिक में देखे जाते हैं, और ये जो सिर्फ आपका है पोस्ट क्या बोलते हैं DNA डिपेंडेंट RNA सिंथेसिस जो है वो आपको दोनों में देखे जाते हैं, mRNA बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट दोनों में, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज प्रेजेंट एबुंडेंटली इन हिस्टोन्स, ठीक है। ये हिस्टोन जो होता है वो एक तरह का ऑक्टामर होता है, क्या होता है, ऑक्टामर, जो कहां पाया जाता है, न्यूक्लियो
में। न्यूक्लियोसोम्स कहाँ होता है? क्रोमोजोम्स में, ठीक है। क्रोमोजोम किसका बना होता है? डीएनए का। और डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूओडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूओडेनम लेसर ओमेंटम हेड ऑफ द पैंक्रियाज आपका हो जाएगा, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद है कोरोनरी आर्टरीज एराई, ये आपके बेस ऑफ द ऑर्टा या आप आर्क ऑफ द ऑर्टा इसको बोल सकते हैं, वहां से अराइज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नोन टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं आपको सेल्स के शेप को मेंटेन रखते हैं, सेल्स के शेप साइज को मेंटेन रखने का काम करते हैं। द टेक्निक्स यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डीएनए और आरएनए इन अ नॉन फ्रैक्शनेटेड डीएनए सैंपल, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, डॉट ब्लॉट नहीं होगा, वेस्टर्न ब्लॉट आपका यहाँ पे जो होगा। द टेक्निक यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डीएनए और आरएनए इन अ नॉन फ्रैक्शनेटेड डीएनए शेप, तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से डीएनए को बाइंड होने के लिए वैसे क्या बोलते हैं कि एमिनो एसिड चाहिए जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो। क्या चार्ज हो? पॉजिटिवली चार्ज हो। तो यहाँ पे इसीलिए हिस्टोन्स में मोस्टली अबुंडेंट जो एमिनो एसिड होते हैं वो आर्जीन होता है और लाइसीन होता है। आर्जीन के अलावा कौन सा और होता है? आपका लाइसीन, ठीक है। तो आर्जीन और लाइसीन जो होते हैं वो मोस्टली अबुंडेंट होते हैं आपके हिस्टोन्स में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि इफ द अमाउंट ऑफ जी इन द डीएनए सैंपल इज 20%, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टी। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ जी जो है, तो अमाउंट ऑफ जी अगर 20% है तो सी कितना हो जाएगा? 20% ही, क्योंकि जी के इक्वल क्या होता है? सी होता है। तो जी और सी दोनों मिलकर कितना होगा? 40%। बचा कितना? 60%। तो 60 में क्या क्या होगा? ए होगा और टी होगा, तो इसका आधा आधा कर दीजिए, तो 30 ए और 30 टी, ठीक है, यानी कि 30%। कह रहा है कि ह्यूमन टेलोमेरिक कंसिस्ट ऑफ टेंडम रिपीट, तो टी टी ए और ट्रिपल जी का होल एन जो होता है ह्यूमन टेलोमेरिक सीक्वेंस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिनल कोडोन चेंज टू स्टॉप कोडोन इन विच टाइप ऑफ म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन जो होता है आपका स्टॉप कोडोन, ठीक है। नॉन सेंस म्यूटेशन जो होता है वो आपका ये होता है, इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल कोडोन है वो स्टॉप कोडोन में चला जाता है, और स्टॉप कोडोन को हम लोग नॉन सेंस कोडोन बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन, ठीक है। अगला है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस फेज में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो प्रोफेज के होता है पैकेटिन स्टेज में। प्रोफेज के पैकेटिन स्टेज में जो होता है आपका प्रोफेज वन होता है। अगला है पर्सन हैविंग सेक्स क्रोमोजोम डबल एक्स वाई सफर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक डिजीज, सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका ये क्रोमोजोम नंबर बढ़ जाता है। दो तरह के होते हैं, एक आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स होता है और दूसरा आपका टर्नर सिंड्रोम होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि टर्नर सिंड्रोम में आपका एक्स नॉट हो जाता है, यानी कि एक्स क्रोमोजोम एक घट जाता है, जबकि आप यहां पे देख रहे हैं कि एक्स वाई के अलावा एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया है, तो यहां पे एक एक्स क्रोमोजोम बढ़ जाता है। तो जब आप टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो एक एक्स क्रोमोजोम घट जाता है, और जब आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं तो एक एक्स क्रोमोजोम घट जाता है, ठीक है। यहाँ पर डाउन सिंड्रोम है, ये आपका ट्राइसोमी डिजीज होता है जो हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि आपका डॉट ब्लॉट टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक, ये दोनों आपके प्रोटीन्स के लिए यूज होते हैं। कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो यूज किया जाता है आपको जब ट्रांसफॉर्मेशन आपको चेक करना हो कि किसी कॉलोनी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म कॉलोनी है कि नहीं, ये चेक करना है, तो आपको कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन का यूज किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि क्रोमोजोम पेंटिंग यूज टू डिटेक्ट क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपका फिश जो होगा वो आपका एग्जाम्पल्स होगा। इस फिश को हम लोग बोलते हैं फ्लोरिसेंस इन सीटू, अभी हमने बात की थी इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, फ्लोरिसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो मेन यहाँ पे जो क्रोमोजोम ट्रांसलोकेशन आपको आप देखना चाहते हैं, क्रोमोजोम पेंटिंग जो करना चाहते हैं देखने के लिए क्रोमोजोम ट्रांसलोकेशन, तो उसके लिए आपका जो होता है फिश होता है, वही आपका एग्जाम्पल है।
अगर एम फीस की बात करते हैं तो एम फीस जो होता है इसमें आप मल्टीप्लेक्स जोड़ दीजिए, मल्टीप्लेक्स फ्लोरिसेंस इनसीटू हाइब्रिडाइजेशन, इसका यूज किया जाता है अगर आपको क्रोमोजोमल अरेंजमेंट देखने हैं उसके लिए किया जाता है। उसके बाद आता है कैरियोटाइपिंग, कैरियोटाइपिंग देखा जाता है आपका नंबर ऑफ क्रोमोजोम देखने के लिए कि क्रोमोजोम जो होता है नंबर जो है वो कम है या ज़्यादा है या नॉर्मल है। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि क्रोमोजोम नंबर बढ़ जाता है या घट जाता है उससे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो उसके लिए अगर कुछ देखना हो तो उसके लिए तो हम लोग कैरियोटाइपिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मीडिया वुड बी एक्सपेक्ट टू रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ हाई लेवल ऑफ एमआरएनए फॉर द एंजाइम ऑफ लैकोपेरॉन इंडियम, नो ग्लूकोज हाई लैक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम क्या अगर बहुत ज्यादा यूज करना है तो लैक्टोज जो होता है उसके लिए ग्रेटिट्यूशियस इंड्यूसर का काम करता है आपके लैकोपेरॉन के लिए, इसलिए हाई लैक्टोज नो ग्लूकोज का काम जो है यहाँ पे सही होगा। अब कह रहा है कि विच प्रोटीन मूव द लिस्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सैंपल व्हाइल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब कह रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो इस सैंपल्स में कौन सा, यह आपके लिए एक होमवर्क हो सकता है जिसे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे हम लोगों ने टेक्निक्स और प्रोटीन्स की और इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात की, तो क्वेश्चन हो सकता है कि विच प्रोटीन्स मूव द लिस्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सैंपल व्हाइल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 74 नंबर जो होता है ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में कितना जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि इस सैंपल्स को अगर हम एक क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, चूंकि प्रोटीन्स है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझा देते एक बार फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके लिए हम लोग करते हैं एसडीएस पेज, सोडियम डोडेसाइल पॉली इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉली एम्प्लीफाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉली एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एसडीएस पेज में जब इस सैंपल्स को रखेंगे तो कह रहा है कि सबसे मूव द लिस्ट फ्रॉम पॉइंट, सबसे कम मूव कौन करेगा, तो आपको बता दें कि हिंट भी आपको दे देते हैं कि सबसे कम मूव कौन करेगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, और सबसे फास्ट मूव कौन करेगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम हो। तो मॉलिक्यूलर वेट के प्रेजेंस में तो हाई मॉलिक्यूलर वेट पहले रहेगा और लो मॉलिक्यूलर वेट आगे चला जाएगा। ठीक है, आपके लिए एक एग्जांपल है बायोचिप्स, ये आपके सेमीकंडक्टर का बना होता है, इसमें सेमीकंडक्टर में आप या तो प्रोटीन लगा लीजिए या डीएनए लगा दीजिए चाहे आरएनए लगा दीजिए, लेकिन बना होगा आपके सेमीकंडक्टर का। माइक्रो बायोसेंसर, आज बेस्ड ऑन माइक्रो बायोसेंसर जो होता है आयन सेंसिटिव एंड ट्रांजिस्टर्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, P1 क्लोनिंग वेक्टर, ये आपके लगभग 100 से 150 KB डीएनए लेंथ का एम्प्लीफिकेशन करता है। ठीक है, चलिए अब कहता है एलेक जेफरी आपके डीएनए फिंगरप्रिंट सेंस का नाम एसोसिएटेड है। उसके बाद है व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एक्जोन्यूक्लिएज 3, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एक्जोन्यूक्लिएज 3। कह रहा है कि आपका एक्जोन्यूक्लिएज जो होता है वो क्या, उसका मोड क्या होता है, किस फॉर्म में करता है। तो यहां पर दिया हुआ है एक्जोनल की एक्ट एज अ सिग्नल सिंगल ट्रांसलेटेड डीएनए इनटू 3' to 5' डायरेक्शन, तो पहला तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये उल्टा करता है, उल्टे डायरेक्शन में करता है। ठीक है, तो 5' जो 3' होगा वहीं, तो ये दो कट गए पहले, 3' to 5' डायरेक्शन में नहीं होगा। अब बचा ये दोनों, इसमें हम लोगों को देखना है कि क्या करता है। एक्जोन्यूक्लियस 3 एक्ट्स ऑन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन 5' to 3' डायरेक्शन, एक्जोन्यूक्लियस 3 एक्ट्स ऑन द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए 5'। तो यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड भी नहीं होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, तो आप यहां पे दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने का एक और अलग तरीका है कि ऑड वन को छांटते जाइए, आपका आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि हॉट स्टार्ट पीसीआर इज मॉडिफिकेशन ऑफ पीसीआर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। अब कह रहा है कि आपका हॉट स्टार्ट पीसीआर जो है मॉडिफिकेशन ऑफ पीसीआर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। कह रहा है इसमें बेसिकली आप ध्यान दीजिए कि द बेसिस ऑफ द एक्सटेंशन इज नॉट स्टार्टेड अन इन द फर्स्ट साइकिल रीचेज इट्स मैक्सिमम टेम्परेचर, सही है।
द पॉलीमरेज इज एडेड आफ्टर द फर्स्ट साइकिल हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम टेम्परेचर आवर मेल्टिंग टेम्परेचर, ये भी सही है. इट इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर ए स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स, ये भी सही है. इट लीड्स टू जनरेट नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जो होता है नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट को कम करता है, जेनरेट नहीं करता. ठीक है, तो ये जो होगा यहाँ पे आपका आंसर होगा. अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन यूज टू इंड प्रोडक्ट इनहिबिशन. ठीक है, तो इंड प्रोडक्ट इनहिबिशन कब आता है, फीडबैक इनहिबिशन के फॉर्म में. जब प्रोडक्ट बन जाएगा तब वो आपको एक फीडबैक देगा जिससे प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा फाइनली. तो इसीलिए इसको इंड प्रोडक्ट इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन भी बोलते हैं. कोलेस्ट्रॉल डज नॉट एक्ट एज द प्रिकर्सर फॉर, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रिकर्सर होता है बेसिकली आपको एस्ट्राडियोल आपको हार्मोन सिंथेसिस में, जितने भी हार्मोन सिंथेसिस है एस्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस जो है उसमें हेल्प करता है, जैसे कि प्रोजेस्ट्रॉन कोर्टिसोल और आपको एस्ट्राडियोल. तो ये जितने भी हार्मोन्स हैं वो किसके द्वारा किसके हेल्प से सिंथेसाइज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के. बच गया कार्डियोलिपिन, तो कार्डियोलिपिन के सिंथेसिस में आपका कोलेस्ट्रॉल का कोई भागीदारी नहीं होता है. एलोप्यूरिनॉल इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, इट इज एन इनहिबिटर ऑफ गाउट. में क्या होता है कि आपका यूरिक एसिड जो है, ये एक तरह का आर्थराइटिस है, तो यूरिक एसिड जो है वो ज्वाइंट पे एक्यूमुलेट होने लगता है. तो सबसे मेन बात है कि अगर यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है तो इसके सिंथेसाइज को रोकना होगा. तो इसके सिंथेसाइज के लिए कौन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, जैंथिन ऑक्सीडेज. तो जैंथिन ऑक्सीडेज को क्या करता है ये, इसके प्रोडक्ट सिंथेसिस को ये क्या करता है, रोक देता है. किसका इनहिबिटर करता है, जैंथिन ऑक्सीडेज का. ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका थायराइड हार्मोन्स एक्ट्स थ्रू. तो थायराइड हार्मोन्स जो होता है आपका इसमें है आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर, साइटोसोलिक रिसेप्टर एंड आपका ईआर रिसेप्टर. तो थायराइड हार्मोन जो होता है वो आपको न्यूक्लियर रिसेप्टर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर जाकर के काम करता है. अगला क्वेश्चन है अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक्स प्लेस इन पेरोक्सीसोम, ये आपके पेरोक्सीसोम्स में जाकर के काम करता है. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम पार्टिसिपेट इन बोथ द साइट्रिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसमें आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो आपका आंसर है. उसके बाद है पाइरिमिडीन डाइमर फॉर्मेशन इज अ साइन ऑफ डीएनए डैमेज, दे आर इंड्यूस्ड बाय द यूवी लाइट, ये आपका यूवी लाइट के द्वारा इंड्यूस्ड होता है. सो द अगला क्वेश्चन है कि कैलमोडुलिन कंट्रीब्यूट टू सिग्नल ट्रांसडक्शन बाई बाइंडिंग टू, तो ये कैलमोडुलिन जो है वो एक इंट्रासेलुलर आपका मैसेंजर सिग्नलिन है जो कि कैल्शियम से बाइंड होता है. ठीक है, कैल्शियम से बाइंड होने के बाद ये आपका मैसेज ट्रांसफर करता है. उसके बाद द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस टू विच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड आर रेफर टू एज, मतलब डीएनए का वह सीक्वेंस जहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करता है क्या कहलाता है, रेगुलेटरी एलिमेंट. रेगुलेटरी एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करता है उसी तरह से आपका ये स्पेसिफिक डीएनए प्रोसेस होता है. उसके बाद कह रहा है द कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय गिवन स्पीसीज, तो क्या कहते हैं इसको, प्रोटियोमिक्स कहते हैं. प्रोटियोमिक्स प्रोटियोम कहते हैं और प्रोटियोमिक्स जो होता है वो उस कलेक्शन ऑफ प्रोटीन का जो स्टडी होता है उसको हम लोग ब्रांच ऑफ प्रोटियोमिक्स कहते हैं. रिसर्च में जब आप जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस, तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस इसमें से एक ही है EMBL, बाकी ये तीनों जो है वो प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस है जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के पार्ट हैं. तो ये चारों जो डाटाबेस हैं ये आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के पार्ट्स हैं जो आपको NCBI के साइट्स पे आप देख सकते हैं इसको. उसके बाद है ह्यूमन जीनोम कंटेन अबाउट, तो ये 3 बिलियन बेस पेयर, आपने देखा होगा 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर जो होता है वो ह्यूमन जीनोम में होता है. तो इसलिए क्या होगा आंसर आपका, 3 बिलियन बेस पेयर्स होगा. विच ऑफ द जीनोम है मैक्सिमम प्लोइडी, तो प्लांट्स जो होता है उसके पास मैक्सिमम प्लोइडी होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीनोम्स मल्टीप्लाइड. ठीक है, उसके बाद है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ट्विट्स अराउंड एक्सचेंज सेगमेंट, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्रोमेटिड ट्विट्स अराउंड
एंड एक्सचेंज सेगमेंट्स विच ईच अदर। तो ये प्रोसेस आप इस तरह देख सकते हैं, तो यहाँ पे ट्विस्ट करता है और यहाँ पे दोनों टूट करके इस सेगमेंट का जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है एक दूसरे के बीच। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ये किस स्टेज में होता है? पैकेटिंग में। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि ये पैकेटिंग जो है प्रोफेज वन का पार्ट है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफरेंस इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी यूनिट्स बिटवीन पोजीशन ऑफ ब्रांड मैक्सिमा ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। एक्चुअली ये ऐसा एक साइट होता है, यहाँ पे देखिए ये आपका एब्जॉर्प्शन और ये आता है इमिशन। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा और इमिशन मैक्सिमा, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है वो किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो डिफरेंस होता है वो किसके द्वारा देखा जा सकता है, किसके द्वारा? तो ये आपका स्टोक शिफ्ट जो है वो आपका इसके द्वारा हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसे आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, ब्यूटाडाइन, ये सभी क्या है? एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है, जहाँ पे नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और जहाँ पे भी नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद हो वहाँ पे यूवी रेडिएशन मैक्सिमम शो करता है, मैक्सिमली बाइंड करता है। बचा क्या? क्लोरोहेक्सेन। तो क्लोरोहेक्सेन का जब आप फॉर्मूला बनाइएगा तो कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे सिक्स कार्बन होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स है वो सारे बॉन्डेड फॉर्म में है, कोई भी नॉन बॉन्डिंग नहीं है। तो क्लोरोहेक्सीन जो होगा वो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं शो करेगा। ठीक है, वेवलेंथ रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड 252-280 नैनोमीटर, ये जो ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कुछ फिनाइल किटोनेरिया, टाइरोसिन, फिनाइल एलानिन, ये जो होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड एमोनियो एसिड मौजूद होते हैं जो इस मैक्सिमम मैक्सिमा को बढ़ा देते हैं। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू एनालाइज अनस्टेंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। अनस्टेंड बायोलॉजिकल सैंपल को कौन सा? फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स अनलेस दे आर बाउंड टू अ लार्जर मॉलिक्यूल। हेप्टेन, हेप्टेन जो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का एंटीजन होता है, जब तक इसको हाई मॉलिक्यूलर वेट से बाइंड करके शरीर में नहीं डाला जाएगा ये कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, एंटीजेनिसिटी शो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम अकॉर्डिंग टू 80% ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन पूल IgG जो होता है 80% शो करता है। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी इज मेडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन IgE। IgE जो होता है वो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी सबसे ज्यादा शो करता है। आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि मेरा एक वीडियो है हाइपरसेंसिटिविटी से रिलेटेड, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है। जितने भी हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो भी है वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक्यूट इन्फ्लामेशन कैरेक्टरिस्टिक। एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि कहीं भी चोट लगता है, चाहे कोई भी इंजूरी होती है, तो वहां पे सबसे पहले जो एक्यूमुलेट होने वाला क्या बोलते हैं इम्यून सिस्टम का जो सेल्स है वो है आपका न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि जो आपका आर्टरीज होता है वो पतला हो जाता है, और जैसे ही वो पतला होगा इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है किसका? न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है और एक्यूमुलेशन के वहां पे रेडनेस और स्वेलिंग होने लगता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। ठीक है, उसके बाद है टिश्यू ग्राफ्ट बिटवीन टू पीपुल वी आर नॉट जेनेटिकल आइडेंटिकल, नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे चार तरह के ग्राफ्ट है, चारों को हम समझा देते हैं कि ये क्या क्या। पहले होता है आइसोग्राफ्ट। तो आइसोग्राफ्ट एक्चुअली ग्राफ्ट मीन्स पे समझ लीजिए कि जब भी कोई ट्रांसप्लांट, ऑर्गेन ट्रांसप्लांट आप समझते हैं, तो जब भी कोई ऑर्गेन ट्रांसप्लांटिंग की जाती है तो दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ओके, तो ये चारों क्या क्या है आप पहले समझ लीजिए। आइसोग्राफ्टिंग क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली आइडेंटिकल कौन होता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ह्यूमंस की अगर बात करें तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बीच ही आइसोग्राफ्ट देखा जाता है। उसके बाद आता है जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट जो होता है वो डिफरेंट स्पेसीज के बीच होता है। किसके बीच होता है? डिफरेंट स्पेसीज के बीच होता है। तो इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल हैं उनके बीच अगर ऑर्गेन ट्रांसप्लांट होता है जो डिफरेंट स्पेसीज के हैं दैट इज कॉल्ड जीनोग्राफ्ट। उसके बाद आता है आपका एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट में क्या होता है?
यहां पे आपका जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट स्पेसीज होते हैं लेकिन सॉरी जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं लेकिन स्पेसीज सेम होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अ टिश्यू ग्राफ्ट बिटवीन टू पीपुल वी आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो आपका जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है तो क्या हो जाएगा, एलोग्राफ्ट। हेट्रोग्राफ्ट जो होता है वो आपका हो जाता है, हेट्रोग्राफ्ट वैसे कुछ होता नहीं है। अगला एक होता है आपको बता दें ऑटोग्राफ्ट, चौथा हम आपको बता देते हैं ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट में क्या हो गया, आपने प्लास्टिक सर्जरी सुना होगा, तो ऑटोग्राफ्ट में क्या होता है कि प्लास्टिक सर्जरी में एक ही इंडिविजुअल के किसी दूसरे जगह से टिश्यू को उठा करके और दूसरे जगह लगाया जाता है, जैसे कहीं पे मसल्स बहुत ज्यादा है और कहीं उसी शरीर में दूसरे जगह लगाना है, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, तो आइसोग्राफ्ट आप जान गए जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, जीनोग्राफ्ट आप जान गए कि डिफरेंट स्पीसीज में अगर हो रहा हो, एलोग्राफ्ट जान गए जेनेटिकली डिफरेंट है लेकिन स्पीसीज सेम होना चाहिए, ऑटोग्राफ्ट में क्या है सेम इंडिविजुअल में एक जगह से काट करके दूसरे जगह लगा दिया गया, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट। ये एक चीज और बता दें कि अगला ही क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है टी सेल्स के द्वारा होती है, टी सेल्स के द्वारा। टी सेल्स क्या करता है कि हम इसी का एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं कि अगर आप में किसी ऐसे इंडिविजुअल का ऑर्गेन ट्रांसप्लांट हो गया जिसको बॉडी जो सेम स्पीसीज का नहीं है, डिफरेंट स्पीसीज का है, बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि टी सेल इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है और वो मैक्रोफेज को उस ग्राफ्ट के अंडर इंड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसके कारण वो मैक्रोफेज उस सेल्स को डेड कर देता है, टिश्यू को डेड कर देता है और फाइनली वो जो ग्राफ्टिंग है वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है टी सेल मीडिएटेड होती है। ठीक है, आइसो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटी का रिजेक्शन किसके द्वारा होता है, तो वो किसके द्वारा होगा, टी सेल मेडिएटेड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बी सेल डिफरेंशिएशन टू फॉर्म। अब देखिए बी सेल जो है वो ओरिजिनेट कहाँ होता है, बोन मैरो में। क्या होता है, बोन मैरो में, बोन मैरो में ही वो मैच्योर भी हो जाता है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन कहाँ होता है, लिम्फ नोड में। कहाँ होता है, लिम्फ नोड में, जहां पे वो किसी एंटीजन से उसका जब सामना होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है, कहां पे, लिम्फ नोड में। और जैसे ही उसका डिफरेंशिएशन होता है वो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में ट्रांसफर्ट हो जाता है। प्लाज्मा सेल्स का काम है एंटीबॉडी बनाना, प्लाज्मा सेल ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा सेल्स का काम है एंटीबॉडी बनाना और मेमोरी सेल्स का काम है कि वो स्टोर हो जाता है, और अगेन जब सेम एंटीजन का एक्ट होगा, इन्फेक्शन होगा, तो ये मेमोरी सेल फिर से अचानक से एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है जैसे ही सेम एंटीजन रिएक्ट करेगा। ठीक है, ओके। ऑप्सोनिन, ऑप्सोनिन कहां पे पाया जाता है, तो ऑप्सोनिन क्या है, एक सेल वॉल कंपोनेंट है, किसमें, बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट है। इसीलिए मैक्रोफेज जब बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन इज द इनगल्फमेंट प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया बाय मैक्रोफेज, और ऑप्सोनाइजेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ऑप्सोनिन इज द सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया। ओके, अब कह रहा है द क्लास ऑफ एन इम्यूनोग्लोबुलिन किसके द्वारा डिटरमीन होता है, तो डिटरमीन जो होता है उसके हेवी चेन के द्वारा होता है। अब किसके द्वारा, जैसे मान लीजिए अगर चेन हेवी चेन अल्फा है तो उसको IgA बोलते हैं, हेवी चेन अगर आपका डेल्टा है तो उसको IgD बोलते हैं, हेवी चेन अगर आपका म्यू है तो वो होता है IgM, और हेवी चेन अगर आपका एप्सिलन है तो IgE। ठीक है, तो ये सारे होते हैं, तो हेवी चेन्स के द्वारा उसका जो क्लास है वो डिटरमीन होता है। चेन इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिट, IgM सबसे ज्यादा 5 होता है उसमें चेन मौजूद होता है। द स्टडी ऑफ नेस्ट ऑफ बर्ड इज नोन एज नीडोलॉजी, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड नीडोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट एलिमेंट। हाँ, एक चीज और यहां पे देख लीजिए आप लोग, कुछ पता है तो नीडोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ नेस्ट ऑफ द बर्ड्स को। ठीक है, क्रैनियोलॉजी बोलते हैं क्रैनियम, क्रैनियम जो हेड का स्कल होता है, माथे का जो स्कल होता है उसको, उसकी स्टडी अगर की जाती है तो उसको क्रैनियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मिर्मिकोलॉजी स्टडी ऑफ
एंट यानी कि चींटी को बोलते हैं, ठीक है। इक्नोलॉजी, इक्नोलॉजी बोलते हैं जो आपका फोसिल्स का जो गुफा बन जाता है, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, कोई पत्थर है उसमें एक होल बन गया जो किसी फोसिल से बना हुआ है, तो उसको अगर स्टडी की जा रही है तो उसको बोलते हैं इक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए अब कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट एनिमल, आपका काउ, कैटल्स, जो भी कैटल्स होते हैं वो रूमिनेंट होते हैं। नेम ऑफ द फाइनल दैट हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, ऑर्थोपोडा सबसे हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट पे आता है मोलस्का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, इंसेक्ट में आपका स्पाइडर नहीं आएगा, स्पाइडर इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके आठ पोडा होते हैं यानी कि आठ पैर होते हैं, और इंसेक्ट का एक कैरेक्टर है कि इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सापोडा, हेक्सापोडा, इंसेक्ट के आठ ही सिक्स पैर ही होते हैं, ठीक है। विच रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन सबको पता है। इन ड्रोसोपिला द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, यहाँ पे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम टू द सेट्स ऑफ ऑटोजोम, ठीक है, ये आपके रेशियो से देखा जा सकता है। तो सेक्स डिटरमिनेशन रेशियो का एक वीडियो मेरे पास हमने बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, इसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, डिटेल आप वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन तब तक समझने के लिए हम आपको बता दें कि अगर ड्रोसोफिला में एक्स एक्स वाई हो तो ये होता है फीमेल, लेकिन अगर एक्स नॉट और एक्स वाई हो तो ये होता है आपका मेल, समझने के लिए जान लीजिए, बाकी आप डिटेल में वहां जाकर के देख सकते हैं। जुरैसिक पीरियड ऑफ द मेसोजोइक एरा कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ठीक है, ये आपको जिम्नोस्पर्म इसमें डोमिनेंट होता है और आर्कियोप्टेरिक्स नामक फर्स्ट बर्ड इसमें अपीयर हुआ था। यहाँ पे बोल रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फर्स्ट डायनासोर, तो फर्स्ट डायनासोर आपको ट्राइएजिक में आया था, जुरैसिक में नहीं आया था, ठीक है, तो आपका ये सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बाइसिनोसिस, तो बाइसिनोसिस कॉटन डस्ट से होता है, किससे होता है आपको, कॉटन डस्ट से। अगला क्वेश्चन है कि सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो सिल्क यहाँ पे आपको बॉम्बैक्स मोरी यहाँ पे होगा, लैसिपर लाका से आपको लैक बनता है जिसके द्वारा बनता है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा बॉम्बैक्स मोरी होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड बाई थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड, तो थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड जो है वो हार्मोनल जो पेस्टिसाइड जो पहले पर थे उसी को मॉडिफाइड करके बनाया गया है, और ये जुबेनाइल हार्मोन सेक्शंस में आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द मेल गैमिट विद देयर पोलर न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक इज नोन है, अगर मेल गैमिट का फ्यूजन जो होता है पोलर न्यूक्ली से होता है, प्लांट्स की बात यहाँ पे हो रही है, तो उसको यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए डबल फर्टिलाइजेशन डाला गया, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि पोलर न्यूक्ली के साथ हो रही है, और पोलर न्यूक्ली जो आपको अगर एम्ब्रियो सैक बता दे तो आप देखें कि यहाँ पे सिरे पे होता था दो थो, तो यहाँ पे अगर वो फ्यूजन कर रहा है तो चूंकि यहाँ पे डबल न्यूक्ली है और एक न्यूक्ली आपके मेल गैमिट के साथ आ रहा है, तो तीन न्यूक्लियस का यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, तो इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स, आपको याद होगा कि इसका फिनोटाइप जो होता था 9:3:3:1, ठीक है, तो यहाँ पे फिनोटाइप कितने हो गए 1, 2, 3 और 4, तो 4 फिनोटाइप होता है और इसका 9 जीनोटाइप होता है, ठीक है, तो 9 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप यहाँ पे होते हैं। उसके बाद है विच वन ऑफ द प्लांट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड टू द वर्ल्ड वन, यहाँ पे अमेरिका से कुछ प्लांट्स आए थे तो न्यू वर्ल्ड टू वर्ल्ड वन बोलते हैं, तो इसमें पोटैटो आया था आपका, उसके साथ आपको जान लीजिए मेज आया था, उसके बाद आपका आया था स्वीट पोटैटो, ठीक है, तो ये 3-4 प्लांट ऐसे थे जो न्यू वर्ल्ड से वर्ल्ड वर्ल्ड में आए थे, इसको अमेरिका से एक्चुअली लाया गया था। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय फंगस, तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, पहला है सैंडल स्पाइक, तो सैंडल स्पाइक आपके फंगस से नहीं होता, ये बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया कौन सा होता है आपका राइजोबियम रेडियो बैक्टर, उसी तरह का है आपका सेंडल स्पाइक जो है वो आपको फाइटोप्लाज्म, ये क्राउन गॉल डिजीज जो है वो आपका राइजोबियम रेडियोबैक्टर से होता है, और सेंडल स्पाइक जो है वो आपको होता है फाइटोप्लाज्मा इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल पैरासाइट है जो प्लांट सेल में एक्चुअली देखा जाता है। उसके बाद आता है साइट्रस कैंकर जो है वो आपका होता है जैंथोमोनास साइट्री,
जैंथोमोना साइट्रस, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है जो आपको साइट्रस, जैसे कि आपका जितने भी साइट्रस फ्रूट है उसमें आप देखिएगा कि उसके ऊपर फ्रूट्स के ऊपर काले काले धब्बे या वाइट धब्बे हो जाते हैं, चाहे नारंगी के ऊपर सड़ जाता है, तो उसको हम लोग साइट्रस कैंकर बोलते हैं। अगला बचता है आपका पाउडरी मिल्ड्यू, ये आपको होता है फंगस के द्वारा, पाउडरी मिल्ड्यू ये आपको फंगस के द्वारा होता है। उसके बाद है इलिसिटर्स आर मॉलिक्यूल्स दैट, ये आपको प्लांट्स में उसके डिफेंस सिस्टम को बढ़ाता है, उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रूमेन गैस, इसमें 50-50 का 1:1 का रेशियो देखा जाता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस रीजन, देखिए जनरली एनिमल्स में देखा जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस लीजन जो है वो लंग्स में देखे जाते हैं, लेकिन कैटल्स में ये लीजन आपको GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखा जाता है, ठीक है। केनल कफ इन डॉग, केनल कफ उसी तरह का होता है जो आपको ह्यूमंस में हुपिंग कफ होता है, और हुपिंग कफ ह्यूमन में बॉडी टेला पर्ट्यूसिस के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ भी जीनस बॉडी टीला ही होता है, लेकिन आपका स्पेसीज जो है वो चेंज हो जाता है, ह्यूमन में वो पर्ट्यूसिस होता है जबकि यहाँ पे ब्रोंकी सेप्टिका होता है, ठीक है। तो केनल कफ जो होता है वो बॉडी टेला ब्रोंकी सेप्टिका के द्वारा होता है। उसके बाद आता है यॉल्ट सैक रूट इंक्यूबेशन, ये आपको डालना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है। बस इंक्यूबेशन पीरियड आपको बताना है, हम आपको बता देते हैं कि चार में से कोई एक होगा, ये आपको पता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कमेंट करके, क्योंकि जरूरी है कि आप ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को ढूंढे, जिससे क्या होता है कि कई तरह के और आंसर्स भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ढूंढते हैं तो आपको कई सारे चेंजेज आपको कई सारे नई चीजें आपको जो मिलती हैं, और नई चीजें आपके आने वाले एग्जाम के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्यूपेशनल जूनोटिक डिजीज, तो यहां पे ध्यान दीजिए, आपको ब्रुसिलेसिस, एंथ्रैक्स एंड आपका सेल्मोनेलेसिस, ये आपका ये जो है प्लेग जो है, सॉरी ब्रुसिलेसिस प्लेग और एंथ्रेक्स, तो सेल्मोनेसिस जो है ये आपका नॉट क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशनल जूनोटिक डिजीज नहीं है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ऑब्लिगेट एरोब, देखिए दो तरह का होता है, एक होता है फैकल्टेटिव एरोब और दूसरा होता है ऑब्लिगेट एरोब। फैकल्टेटिव एरोब का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, फैकल्टेटिव एरोब का मतलब होता है जो ऑक्सीजन के प्रजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब प्रजेंस में और एब्सेंस में दोनों में जीवित रह सकता है, लेकिन ऑब्लिगेट का क्या मतलब होता है कि उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, विदाउट ऑक्सीजन वो डेड कर जाएगा। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के वो जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए यहाँ पे दिया है ऑब्लिगेट एरोब। तो कंसेप्ट हमने बता दिया है आपको, आंसर आपको बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन ट्रांसमिटेड बाई सॉयल, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई सॉयल, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सॉयल के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है। यहाँ पे चार दिया गया, टीटेनस आपको पता है कि आपको सॉयल्स के द्वारा होता है, ब्रुसेला, साइक्लोमाइडोसिस एंड एंथ्रैक्स, टीटेनस और ब्रुसेला, ये तीनों जो होते हैं वो आपको सॉयल के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, एक्सेप्ट कोकिसोरमाइसोसिस, ये आपके सॉयल के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका फिनॉल कोफिशियंट इंडिकेटर्स, क्या इंडिकेट करता है फिनॉल कोफिशियंट, क्या इंडिकेट करता है, तो फिनॉल कोफिशियंट आपका डिसइंफेक्टेंट का एफिकेसी को इंडिकेट करता है। एक्चुअली ये डिटरमिन किया जाता है फिनॉल के कंपैरिजन में किसी डिसइंफेक्टेंट का एफिकेसी देखा जाता है, अगर उसकी एफिकेसी एक से ज्यादा है दैट मीन्स कि वो फिनॉल से ज्यादा एफिकेट है उसकी, ठीक है। अब कह रहा है गुनिया वॉर्म का होस्ट क्या है, ठीक है, साइक्लोप्स जो है गुनिया वॉर्म का होस्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एगार हैज न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी, नहीं एगार के पास कोई न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी नहीं होती है, एगार सिर्फ जेल बनाने के लिए यूज किया जाता है, कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। चॉकलेट मीडियम इज सेलेक्टिव मीडियम, नहीं चॉकलेट मीडियम सेलेक्टिव मीडियम नहीं है, ये एक नॉन सेलेक्टिव मीडियम है। एडिशन ऑफ सेलेक्टिव सब्सटेट इन अ सॉलिड मीडियम इज कॉल्ड एनरिचमेंट मीडियम, नहीं ये भी सही नहीं है। उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इज अ वेसल, ये आपका सही है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ठीक है, इसको न्यूट्रिएंट एगार भी बोला जाता है, तो ये आपका वेसल मीडियम है, ये आपका सही है। उसके बाद कह रहा है प्लाज्मिड विच डू नॉट पोजेज इन्फॉर्मेशन फॉर सेल ट्रांसफर टू अनदर सेल इज नोन एज नॉन कंजुगेट प्लाज्मिड, ये अपने ट्रांसफर का जो वो है वो कोड नहीं करता है, इसका जीनोम जो होता है वो ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन जीनोम के द्वारा कोड नहीं होता है ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइमॉर्फिक फंगस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेंटम, ये आपका डाइमॉर्फिक आपका क्या है फंगस है। उसके बाद आता है एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड लिनोवायरस, पैरोवायरस और सिडनोवायरस, ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए वायरस है। लिमुलस एमोबेसी लाइजेट एसिड यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ इंडोटॉक्सिन, लिमुलस एमोबोसाइट लाइजेट जो होता है वो इंडोटॉक्सिन के डिटेक्शन के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है ट्रिजोफिल्ड जैकॉब डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स, ठीक है क्या होता है प्रियॉन्स क्या होता है, एक ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें पैथोजेनिक लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं, पैथोजेनिक लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होता है, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये जैसे कि आपने वीरियॉन्स का नाम सुना होगा तो वैसे ही होता है, वीरियॉन्स के अलावा प्रियॉन्स ठीक है। कह रहा है पिकअप द एमिनो एसिड विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी बट नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स, ऑर्निथिन बॉडी में प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोटीन में नहीं देखा जाता क्योंकि ये किसी भी ट्रिपलेट कोडोन के द्वारा कोड नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी बेस्ट रिप्रेजेंट द कोर बॉडी टेम्परेचर, ओरल कैविटी, आपने देखा होगा कि थर्मामीटर को मुंह में लगा करके टेम्परेचर नापा जाता है। द वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इज हाईएस्ट इन एसेंडिंग ओरोटा में इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है। इंसुलिन इंक्रीजेज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन द लीवर सेल बाय इंक्रीजिंग ग्लूट फोर के एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है, एक्चुअली ग्लूसेट वेसिकल्स के फॉर्म में सेल के अंदर होता है लेकिन इंसुलिन क्या कर देता है कि ग्लूट फोर के एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है जिससे ग्लूकोज जो होते हैं वो सेल्स के अंदर चले जाते हैं और यूज हो जाते हैं जिससे लेवल ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो आपका गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस रिकॉर्ड बाय बोर इक्वेशन के द्वारा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग डीएनए मिथाइलेशन, यहाँ पे सबसे मेनली जी इज नॉट मिथाइलेटेड सी इज मिथाइलेटेड, साइटोसिन यहाँ पे मिथाइलेट होता है, बाकी सब आपका सही है, ये डोनर है, ये आपका इंटरमिक्यूलर कैटालिज होता है और सीपीजी आइसोलेंस यानी कि सीजी डाइमर पे ही कैटालाइसिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल ध्यान दीजिएगा एमआरएनए स्प्लाइसिंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं है क्योंकि ये क्या है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद किया जाता है, ट्रांसलेशन के बाद नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द जेनेटिक कोड, ध्यान दीजिएगा अ कोडोन इज अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ध्यान दीजिएगा सही है कोड फॉर अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड, ठीक है सही है ट्रिपलेट फॉर्म में होता है और एक कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करता है। अ स्पेसिफिक फर्स्ट कोडोन इन द सीक्वेंस एस्टैब्लिशेस दैट रीडिंग फ्रेम, सही है बात सही है। अगला है अ कोडोन स्पेसिफाई मोर देन वन एमिनो एसिड, नहीं गलत बात है, कोडोन जो होता है एक से ज्यादा एमिनो एसिड के द्वारा कोड नहीं होता है, एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा कोडित किया जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, ये कह रहा है कि एक कोडोन स्पेसिफाइज मोर देन वन एमिनो एसिड, नहीं एक कोडोन सिर्फ एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है लेकिन एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा मैक्सिमम 6 तक ट्रिपलेट कोडोन के द्वारा कोड किया जाता है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। अगला है द टाटा बॉक्स प्रेजेंट ऑन द टेम्परेट स्टैंड प्रेजेंट ऑन द 70 बेस पेयर्स सर्व एज अ सिग्नल, ये इसमें से चारों ऑप्शन जो है होते हैं वो रॉन्ग है, ठीक है क्योंकि यहाँ पे आर एन पी ट्विन नहीं होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग फैक्टर होता है, ठीक है तो होगा हो सकता है कि ये हो
और यहाँ पे 70 बेस पेयर नहीं होता है, ये 25 to 30 बेस पेयर्स होता है। टेम्पलेट स्टैंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो होल डीएनए को बाइंड करता है, तो किसी एक स्टेम की बात नहीं कर सकते हम लोग। साइलेंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो साइलेंस नहीं करता है, ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल मूव फास्टर। सुपर क्वाइल्ड, सुपर क्वाइल्ड से क्या होता है कि वो कॉम्पैक्ट होकर के छोटा हो जाता है, और जितना छोटा होगा मूव फास्टर होगा। तो सुपर क्वाइल्ड जो डीएनए होते हैं वो सबसे ज्यादा मूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने वीडियो को देखा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को अपने शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इससे फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।